Шуусан. Багасаа. Манай хүн дээр ахсан юм биш үү? If you have any other questions, if you have any other, I think, इस विषय में मैं प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एम एल एस थे और उनके यूथ आई पी एफ डी थे, मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के मेंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम सब शामिल हो रहे हैं एक अनाउंसमेंट करने के लिए कि मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल विच इज़ अ ग्रुप विच कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन different political parties, members of civil society, as well as student federations, ने decide किया है कि हम आने वाले लोकसभा election में Congress के candidate को support करेंगे। थोड़ा सा मैं elaborate करना चाहता हूँ, ये सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं चेयरमैन भी हूँ मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। तो आज से 7 से 10 दिन पहले मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप बिल, जिसमें एनसीटी है, आईपीएफटी तिप्रहा है, नेसो है, टीएसएफ है, टीला है, TYPC है, NEIDP है, इंजीनियर्स एसोसिएशन है और बहुत त्रिपुरा क्षत्रिय समाज है, दफा यक्षमा बदल है और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो जाकर उनका मीटिंग राहुल गांधी के संग हुआ था और अपने AICC के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ त्रिपुरा लुइजियानो फिलेरियो, उस मीटिंग में जो डिमांड्स MACAB ने पूछा था कि कांग्रेस अगर अश्योरेंस देती है इन राइटिंग, तब MACAB और सिविल सोसाइटी का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के संग रहेगा। मेन इशू था कि दैट आप सिर्फ वॉकआउट नहीं कर सकते हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, सिर्फ पार्लियामेंट में वेल के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको, जिसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को, इन राइटिंग ये कमिटमेंट देना होगा कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में आएगी तो ये कॉन्सेप्ट है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, उसको स्क्रैप कर फेंक दी। राहुल गांधी खुमुलुंग में आए, वहाँ में मेंबर्स ऑफ द MACAB थे। अगर आपने नोटिस भी किया होगा तो राहुल गांधी ने उसे मंच में कहा था कि आई मेट रीजनल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स, और वो कमिटमेंट राहुल गांधी ने अपने स्पीच में सबके सामने कह भी दिया। और भी बहुत डिमांड्स थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द TNV-ATTF अकॉर्ड, फॉरेस्ट बिल, सब लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट बिल बहुत डेंजरस बिल है, क्योंकि स्क्रैपिंग ऑफ फॉरेस्ट बिल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। ये फॉरेस्ट बिल जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ था दिल्ली में, NGO ने फाइल किया था, लेकिन जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ था गवर्नमेंट का सीनियर काउंसिल वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। इसका यही मतलब है कि एक मैच फिक्सिंग हो रहा था लगता है। कांग्रेस पार्टी ने MACAB को अश्योरेंस दिया है कि 2006 फॉरेस्ट एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको वो चैलेंज करेगी। कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा से भी चैलेंज करेगी, छत्तीसगढ़ में जहां में कांग्रेस का सरकार है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ रिव्यू पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस ऑर्डर। गौरव हमारा मातृभाषा है, मदर टंग है, तो गौरव को हम चाहते हैं कि वो एक 8th शेड्यूल के अंदर आए, लेकिन हम कोकबरों को कैसे लिखें, कोकबरों को कैसे पढ़ें। हमारा डिमांड MACAB का था
कि कॉक बोरोक शुड बी टॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन द रोमन स्क्रिप्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. दैट इशू हैज बीन सेटल्ड. द कांग्रेस पार्टी इज एग्रीड. हमारा ये मानना है हम बंगाली स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं हैं. मैं चाहता हूँ कि बंगाली लैंग्वेज भी फ्लरिश करे. बहुत अच्छा बहुत मीठा लैंग्वेज है बंगाली लैंग्वेज. लेकिन अगर हमारे यूथ को कल नौकरी चाहिए तो रोमन स्क्रिप्ट इज एसेंशियल. क्योंकि अगर हमें नौकरी चाहिए कल बेंगलोर में हो, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, तो कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल. आज हम लोग इतने पीछे क्यों हैं? मिजोरम इतने आगे क्यों हैं? उनके पास TCS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इंग्लिश स्क्रिप्ट पहले लिया. यही चीज़ मेघालय में है. मणिपुर में जहाँ में उनका जो मैतेई लैंग्वेज बंगाली स्क्रिप्ट में होता था वो आज वहाँ में भी प्रोटेस्ट चल रहा है. और इसी आश्वासन से कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कॉक बोरोक विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द रोमन स्क्रिप्ट अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट फंडिंग टू द ऑटोनोमस काउंसिल्स. बहुत लोग बहुत चीज़ डिमांड कर रहे हैं ऑटोनोमस काउंसिल्स के बारे में. हमने कहा है कि आर्टिकल 244A के अंदर इतना पावर दिया जाता है कि आप अपने खुद के लॉज बनाएं, खुद का फाइनेंशियल पावर हो, खुद का आप अपना भविष्य कर सकें. तो आज के दिन ADC एक टूथलेस बॉडी है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी दिया है और यही बात राहुल गांधी ने फिर से खुमरू में बोला कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में आएगी तो ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम सेंटर. अगर ये हो जाता है तो बहुत हमारे दिल के अंदर जो दुख है कि त्रिपुरा में हमें नेग्लेक्टेड, हम लोग नेग्लेक्टेड हैं, ये बहुत दूर तक ये कम होगी. आर्टिकल 244A एक हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है और इस स्टेप से जितने भी हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी रहती थी कि ज़मीन चला जाएगा, पावर नहीं है, ये उस समस्या का कहीं दूर तक एक हल होगा. और लास्ट में मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट MACAB कांग्रेस पार्टी को करेगी इज बेस्ड ऑन अश्योरेंसेस ऑन दीज पॉइंट्स. ये अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है. हमने ये MOU साइन किया है और ये मैं आपको देखिए, एक साल पहले BJP ने IPFT के संग भी कुछ साइन किया था लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं थी. MACAB का एक विश्वास है कि हम जो भी हमने अग्री किया है वो पब्लिक के नॉलेज में आना चाहिए. इसी के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि हम लोग एक हुए और कोई ओपनली नहीं आ सका. क्योंकि ठीक है, आपने IPFT के बारे में बोला, वो ओपनली नहीं आ सके, लेकिन शुक्ला नुआतिया जो अभी कैंडिडेट है वो हमारे संग मिलते रहे, उनके MLAs थे वो आके हमसे मिलते रहे. अगोर बाबू, उनका खुद का पार्टी है, उन्होंने कहा नहीं, इस इशू में हम सबको एक होना है. मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस इशू में हमको एक संग होना है. CPM के बहुत लोग ने मुझे फोन किया, बोला वेरी गुड महाराजा, वेरी गुड, वेरी गुड, हम लोग आपके संग. जब प्रेस के ऊपर हमला होता है, जब प्रेस के ऊपर कोई अटैक करता है तो आप लोग के प्रेस के बीच में भी बहुत तू मैं होता है, कॉम्पिटिशन ये वे ऑफ लाइफ है. लेकिन अगर मीडिया के ऊपर कोई अटैक करे तो सब मीडिया एक हो जाते. तो जब हमारे ऊपर ये आक्रमण हुआ तो हमने भी, हमको भी लगा कि चलिए हम सब एक होकर इस इश्यू में आते हैं. और जो पार्टी लोकसभा में और राज्यसभा में CAB को रोक सकता है वो कोई रीजनल पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी ही होगा. NPP का एक राज्यसभा का MP नहीं, तभी भी वो बोलते हैं कि हमने रोका. AGP
ने रेजिग्नेशन दिया, वापस आ गए। तो शिवसेना ये बिल को नहीं रोकेगा, जनता दल यूनाइटेड ये बिल को नहीं रोकेगा, नागा पीपल्स फ्रंट या आईपीएफटी या अरुणाचल पीपल्स पार्टी ये बिल को नहीं रोकेगा। एक नेशनल पार्टी को ये बिल को रोकना पड़ेगा। इसी के लिए हमने क्लियरली डिसीजन लिया है कि सिविल सोसाइटी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सब एक होकर ये बिल का विरोध करेंगे और हमारा मीडियम कांग्रेस पार्टी होगा। सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट आईपीएफटी विल एक्सटेंड सपोर्ट टू कांग्रेस और द एमएससीएबी? आई हैव पर्सनली वेरी गुड रिलेशनशिप विद आईपीएफटी बिकॉज यू मे बी अवेयर दैट आई एम नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन। इनफैक्ट आई टेक माई रोल एज द ग्रैंडसन ऑफ महाराजा बीर बिक्रम एंड एज अ मेंबर ऑफ द अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली, द अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली, वेरी डिलीजेंटली एंड विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी। सो आई टॉक टू एवरी लीडर, आई डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन विच पार्टी दे बिलोंग टू। इफ देर इज अ मीटिंग ग्राउंड वेर आर एनिमी इज अ पार्टी विच वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय आर कल्चर, which wants to destroy our heritage, which wants to take away our land, which wants to provide benefits to people from another country, but yahan mein jab hamara logo ko naukri nahi mil raha hai, hamare humko kya bolte hain hame unemployment nahi, hamare paas employment nahi, hamare paas zameen kam hai, humko hamare school mein shiksha itni achhi nahi hai, hospital mein palang nahi hai, doctors kam hai, आप दूसरे देश के आदमी को लेकर यहाँ आकर आप उनको वोटर बनाएंगे? अपने देश में हम भी तो इंडियंस हैं, हमको प्यार कीजिए, हम तो इंडियंस हैं, हम तो 1949 से इंडियंस हो गए जब हमने मर्ज किया, हम भी इंडियंस हैं, हमको इतना ही प्यार कीजिए। आप इंडियंस हैं, अगर कला में कितना प्रॉब्लम है, हम सब हमको पहले आप देखें, उसके बाद अगर आपको इतना प्रेम है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से, तो आप उनको लाइए, लेकिन उनको आप वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते। दलाई लामा 1959 से इंडिया में रह रहा है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिला है। इसका ये मतलब नहीं कि हम दलाई लामा का सम्मान नहीं करते, उनको हम आदर नहीं करते, बहुत करते हैं, लेकिन ये बिल वोट बैंक का बिल है। आपने ये बिल इलेक्शन के पहले लाया क्योंकि आपको खत्म करना था ममता बनर्जी को, हम तो कोलैटरल डैमेज हो गए, आपको जीतना था बंगाल, आपने नॉर्थ ईस्ट को बलि में रख दिया। और अमित शाह ने क्लियरली बोला है कि वो अगर पावर में वापस आएंगे तो वो अपने घोषणा पत्र में, ये कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी को कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट, एंड वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। इट इज एज सिंपल एज दैट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर बिलीव दैट शी वांट्स टू गो टू त्रिपुरा सुंदरी फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, बिकॉज द लास्ट टेम्पल दैट मिसेस गांधी विजिटेड, इट्स इन अ बुक, पुकुल जयकर बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी, उसमें लिखा है कि इंदिरा गांधी जब माता बारी टेम्पल गए तो उनको अजीब सा कुछ लगा अंदर, पावर एक है, वो किताब है, आई कैन गिव यू द बुक एंड एक्सेप्ट। सो शी हैज कन्वेड थ्रू समबडी दैट शी वॉन्ट्स टू कम टू माता बारी, वॉन्ट्स टू गो टू माता बारी एंड पे रिस्पेक्ट टू त्रिपुरा सुंदरी, एंड शी डज नॉट वॉन्ट टू लिंक इट विद इलेक्शंस। ठीक है, वी डू नॉट वॉन्ट टू लिंक प्रियंका गांधी विजिट टू माता बारी विद इलेक्शंस, बिकॉज इलेक्शन कल चला जाएगा लेकिन माता बारी हमेशा त्रिपुरा में रहेगा, इतना मैं भी जानता हूँ, और हम इसको लिंक नहीं करना चाहते इलेक्शन से। वो श्रद्धा से आएंगे, कामाख्या जाना जाए, माता बारी आना मोस्ट वेलकम, पर इलेक्शन से लिंक नहीं होगा। महाराज आई हैव अ सेपरेट क्वेश्चन ऑन पर्सनल ग्राउंड, सिंस यू आर नॉट कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, तो सोशल मीडिया दूध का दूध पानी का पानी दिखाई पड़े और हम बताएं कि क्या हुआ है, क्योंकि अगर ये बात क्लियरली हम नहीं बोलेंगे, और राहुल गांधी ने भी ये बात कहा है, तो कन्फ्यूजन हमारे इंटीरियर एरियाज में बहुत रहता है, हम नहीं चाहते हैं कि कुछ गलत फहमी रहे। इसी के लिए आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू, यहाँ मैं बहुत इंडिजिनस मीडिया हैं, बंगाली बेस्ड मीडियाज़ हैं, नेशनल बेस्ड मीडियाज़ हैं,
मैं आपके थ्रू मैं एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ. वी लव आर स्टेट, वी लव ऑल द पीपल इन आर स्टेट, अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज, अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, एंड वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर आर कंट्री. एंड दिस अश्योरेंसेस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन टू अस बाय द AICC. I am also the Congress president. I am a authority in the state and the AICC. After going through diligence, through the legal cell, through the legal department, has cleared this. Thank you very much. If you have any questions, you can ask. Maharaj, when was the MOU signed? 11th of April. गवर्नमेंट कैसे है टुगेदर, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा इस लक्ष्य में क्या है. हमारा लक्ष्य है कि जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है वो हमसे जुड़ सकते हैं. आज यहां में राजेश्वर देवर्मा नहीं है. राजेश्वर देवर्मा इज अ बीजेपी सिटिंग स्टेट मेंबर, इज अ लीडर इन द बीजेपी. वो आए, विजय था बीजेपी में, वो आया. हम भेदभाव नहीं करते. अगर आप CAB के खिलाफ हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. आप अगर आर्टिकल 244A अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तब उसके बाद आखिर आप मुझे ये क्वेश्चन पूछिए. आपको नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन फिर से पूछेंगे? अच्छा ठीक है सर. और दूसरा क्वेश्चन, अभी तो कांग्रेस त्रिपुरा में 3rd पोजिशन में चला गया था, तो इतने ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तो MLCB भी आ गया, NPT भी आ गया, आपको क्या लगता है अभी 2nd पोजीशन में है या 3rd पोजीशन में है कांग्रेस? नहीं, 2nd पोजीशन में तो 3rd पोजीशन तो आ नहीं सकते कांग्रेस, क्योंकि वो पोजीशन BJP का है. अब रहा 2nd और 1st पोजीशन, तो आप जब वोटिंग का काउंटिंग हुआ तो आप देख लीजिए. लेकिन 3rd पोजीशन तो आप रूल आउट कर दीजिए कि वो BJP का पोजीशन, उसने रिजर्व कर दिया 3rd पोजीशन. तो क्या लगता है 2nd पोजीशन में CPM है? नहीं, मैं तो देखो, मैं त्रिपुरा महाजा का नाती हूँ, मैं ज्योतिष नहीं हूँ. ठीक है, अगर आप ज्योतिषी करना चाहते हैं तो इंटरव्यू के बाद मैं आपका हाथ पढ़ के भविष्य बोल दूंगा. लेकिन मैं ऐसा रकम का आदमी नहीं हूँ कि स्पेक्युलेट करूँ. मुझे इतना विश्वास है कि त्रिपुरा के लोग उसमें इंडिजिनस हैं, उसमें मॉग्स हैं, चाकमास हैं, बंगालीज हैं, मणिपुरीज हैं, मुस्लिम्स हैं, सब मिलकर आके अपने, उनका अलग मुद्दा होगा, कहीं में 7th पे कमीशन का मुद्दा होगा, कहीं में अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा होगा, कहीं में हांस और महाभारत में इंटरनेट का मुद्दा होगा, कहीं में CAB होगा, कहीं में कॉकबोरो के रोमन स्क्रिप्ट होगा. लेकिन वो सब जानते हैं कि हमें BJP को हटाकर इस राज्य से बाय बाय करना है. तो मेरा ये CAB में हमारा ऑफर है इशू बेस्ड कंडीशनल सपोर्ट टू द कांग्रेस पार्टी. आई एम नॉट हियर एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, आई एम ऑल्सो इन द कांग्रेस पार्टी, बिकॉज द कांग्रेस पार्टी बिलीव्स दैट दिस कंट्री हैज डाइवर्सिटी. मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर भाषा को आदर करती है, बंगाली हो, कॉकबोरोक हो, मिजो हो, गारो हो, पंजाबी हो, तमिल हो, मलयाली हो, और कांग्रेस पार्टी हर धर्म का भी इज्जत करती है, और कांग्रेस पार्टी हर जात, हर कम्युनिटी को भी इज्जत करती है. BJP में प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ एक धर्म को और एक रकम के हिंदू को आप प्यार करते हैं. इसी के लिए आप सबको लाना चाहते हैं इलेक्शन के पहले वोट बैंक के लिए. पहले आप ये सुविधा, हिंदुस्तान में बहुत हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, हमारे परिवार ने 800 साल से मंदिरों का रक्षा किया है त्रिपुरा में. लेकिन आप हमें प्रमाण मत दिखाइए कि ये करेंगे तो आप अच्छे हिंदू हैं, ये करेंगे तो आप खराब हिंदू हैं. तो BJP का प्रॉब्लम यही है कि वो एक नजरिए से पूरा हिंदुस्तान को देखते हैं. अगर आपने एक भाषा बोला तो ठीक, एक कपड़ा पहना तो ठीक, एक आपको ऐसा रकम का डाइट होना चाहिए,
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया में हर भाषा, हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर पूजा, पूजा में यहाँ में पूजा होता है, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्या होता है। अब गणपति बप्पा मौर्या त्रिपुरा में नहीं लाकर आप पूजा को सेकंड पोजीशन में नहीं रख सकते, लेकिन उनका सोच बहुत अलग है। राहुल गांधी क्या आएंगे त्रिपुरा में? क्यों, किसी ने रोका है? जरूर आएंगे, कोई डेट नहीं, वो जब पक्का होगा तो आएंगे, और उनको आना भी पड़ेगा। अभी एक बार कुमोलम आए हैं, नेक्स्ट टाइम उनको कंचनपुर भी जाना होगा, उनको ढलाई भी जाना होगा, उनको उदयपुर भी जाना होगा, उनको धर्मनगर भी जाना होगा। अगरतला आकर सिर्फ नहीं होगा, राहुल गांधी को पूरा त्रिपुरा दो दिन घूमना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपुरा के लोग राहुल गांधी को प्यार करते हैं, इंदिरा गांधी को बहुत प्यार किया। इंदिरा गांधी का लास्ट वो माताबारी गई, लास्ट मंदिर जो नॉर्थ ईस्ट में वो गई, वो माताबारी में गई, उनका ऑटोबायोग्राफी में उपुल जयकर का बायोग्राफी में। तो राहुल गांधी को आना चाहिए और नेक्स्ट टाइम यहाँ में दो तीन दिन बिताना चाहिए, क्योंकि हम लोग जेन्यूनली, अगर वो हमारी संग है इस इशू में, तो हम जेन्यूनली उनका स्वागत करेंगे और उनको दिल से प्यार करेंगे। हम लोग नाटक में विश्वास नहीं करते।